वन टू एंड थ्री। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तुम लोगों को पता है क्या, फहद भाई की शादी हो गई है। ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा। मगर एक मिनट, तुम लोगों ने निका वाले व्लॉग में कुछ मुझे कहा था। हर जगह कमेंट में तुम लोग बोले जा रहे हो, फहद भाई फेस रिवील फेस रिवील फेस रिवील फेस रिवील फेस रिवील। अरे बस भी कर दो यार, लेकिन किसका फेस रिवील कराऊं ये तो बता दो। अच्छा भाभी का फेस रिवील कराऊं, लेकिन तुम लोग क्यों देखना चाहते हो यार, बीवी तो मेरी है। चलो खैर, तुम लोग भी तो मेरे हो ना, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। मम्मा। हाँ बेटा, खैरियत? मम्मा आपसे ना एक बात पूछनी थी। मम्मा क्या मैं अपनी धर्म पत्नी, अपनी बीवी, अपनी प्यारी सी दुल्हन, अपनी खूबसूरत सी दुल्हन का चेहरा दिखा सकता हूँ क्या? अस्तग़फ़िरुल्लाह, जाओ यहाँ से, पता नहीं कैसी बातें लेके बैठ गए अब तुम। अच्छा ना मम्मा जा रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रही है, हर कोई मेरे पर गुस्सा ही करता रहता है। अच्छा मम्मा जा रहा हूँ जा रहा हूँ। मम्मा नमाज पढ़िए, गुस्से में बहुत। चलो गाइस चलते हैं। अबे यार अम्मा तो गुस्से में, चलो पिस्तौल खानी से ही पूछ लेता हूँ। चलो यार पिस्तौल खानी को कॉल मिलाते हैं और उसी से पूछ लेते हैं कि क्या सीन है। अबे ये तो कॉल ही नहीं उठा रही पिस्तौल खानी। ओए उठा लिया फोन, उठा लिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम पिस्तौल खानी। पिस्तौल खानी क्या हाल है, ठीक ठाक है आप? पिस्तौल खानी लगता है गुस्से में। पिस्तौल खानी वो मुझे ना आपसे ना एक बात पूछनी थी। वो ना मैं ये सोच रहा था कि ना वो ना सब बोल रहे थे कि ना वो ना कि सब ना बोल रहे थे कि फेस रिवील करा दें, तो क्या मैं आपका फेस रिवील कर दूँ? अच्छा अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, जज़ाकअल्लाह। क्या तुम तैयार हो पिस्तौल खानी का फेस रिवील होने के लिए, देखने के लिए? हाँ हाँ तैयार हूँ, जल्दी से पिस्तौल खानी का चेहरा रिवील करो। चलो यार फाइनली पिस्तौल खानी तो मान गई उसका फेस रिवील कराने के लिए। तुम लोग क्या बोलते हो, पिस्तौल खानी का फेस रिवील करा दें? मगर यार इन कपड़ों में मैं पिस्तौल खानी का फेस रिवील करूंगा मैं तो दूल्हा लगूंगा ही नहीं कहीं से। ये वाले कपड़ों में थोड़ी जाएंगे हम तो वही शादी वाले कपड़े पहनते हैं और दुल्हन को भी शादी वाले कपड़े पहना देते हैं। फाइनली भाई आपके भाई ने दूल्हा वाले कपड़े पहन लिए। अरे दूल्हा वाली वाइब तो आए और दुल्हन वाली वाइब तो आए, पता तो चले दुल्हन है। तुम्हारा भाई अगर दूल्हा बन के फेस रिवील नहीं करता अपनी दुल्हन का, तो पता कैसे चलता है कि दूल्हा दुल्हन है? और हमारी दुल्हन इंतजार कर रही है, जल्दी से उसका फेस रिवील करने चलते हैं। पिस्तौल खानी के मिलने से पहले हम नमाज पढ़ लेते हैं। ये चेक करो कितनी खूबसूरत मस्जिद है, जल्दी से नमाज पढ़ते हैं फिर पिस्तौल खानी के पास चलते हैं। यार आपका भाई नमाज पढ़ने आया था, मगर प्यारे प्यारे से हमारे क्यूट से फैंस मिल गए इतने सारे। ओड़े भाई साहब, फहद भाई सब तो छोड़े, बस पिस्तौल खानी का फेस तो रिवील करे। अरे भाई रुको, जरा सबर करो, अभी तुम लोग सबको पता चल जाएगा कि पिस्तौल खानी है कौन और उसका फेस मैं रिवील कर दूंगा। तुम लोग टेंशन नहीं लो, अब मुझे जाने दो, मेरी जान छोड़ दो। अब चलते पिस्तौल खानी के पास। अरे चुहारे मैंने बांट दिए जितने बांटने था। अरे यार ये बच्चे मुझे जान नहीं छोड़ेंगे मेरी। तुम लोगों को तो पता है ना तुम्हारा भाई पिस्तौल खानी से बहुत मोहब्बत करता है, तो इनमें से देखते हैं पिस्तौल खानी के लिए कौन सा बेहतर रहेगा। बारबी? नहीं 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 ये तो बच्चों का है। अरे कोई पिस्तौल खानी के लिए अंकल कोई अच्छा सा गुब्बारा दिखा दें। अरे ये वाला जबरदस्त है ना, अपनी पिस्तौल खानी को ये दूंगा ना, पिस्तौल खानी खुश हो जाएगी। इसको छोड़ो ये वाला चेक करो भाई साहब, इस पे क्या लिखा है, आई लव यू, क्योंकि पिस्तौल खानी से भी आपका भाई बोलता है ना आई लव यू, आई लव यू। तू तो गया बेटे, आई लव यू। कितने का दे रहे हैं ये? 150 का है। 150 रुपए, इतना महंगा गुब्बारा? ये तो अनमोल कीमत है, इसकी तो दिल की कीमत होती है जो। पिस्तौल खानी के लिए तो सब कुछ कुर्बान, अगर ये 1 करोड़ रुपए का भी होता ना तो पिस्तौल खानी के लिए मैं खरीद लेता। 1 करोड़ दो फिर। यार ये तो बड़े मजे का गुब्बारा, ये चेक करो। दिल पे रख दे, दिल पे। ये तो उड़ जाएगा अगर मैंने छोड़ा तो। उड़ी पोल सब। ये बड़े मजे की चीज। यहाँ पे रख, दिल पे लगा के। बस ना सही है ना, क्या दिल बिल घुसेड़ रहा है तू। हंस दे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। फाइनली अपन ने पिस्तौल खानी के लिए गुब्बारा तो ले लिया है, उसके लिए फूल भी तो ले रहे ना। आओ लेट्स गो, आ जाओ पिस्तौल खानी को आज सरप्राइज करेंगे हम। प्यारा सा गुब्बारा यार, बहुत मजे का है। अब लेने आया तुम्हारा भाई पिस्तौल खानी के लिए बहुत सारे फूल। ये चेक करो यार क्या खुशबू आ रही है यहाँ पर, मेरा बस चले मैं तो सारे फूल ले लूं। यार ये चेक करो, ये वाला कितना मजे का फूल है, क्या बोलते हैं ये वाला कितने का दे रहे हैं? 700 रुपए होते हैं मेरे पास, मैं तो चीज खा के पेट भर लेता। हमारी पिस्तौल खानी ना बहुत अच्छी है,
ये 700 रुपए का फूल नहीं, मैं एक फूल भी दूंगा ना उसको तो वो खुश हो जाएगी। तुम्हारा भाई ये वाला फूल लेगा अपनी पिस्तौल खानी के लिए, देखना अपनी पिस्तौल खानी कितना ज्यादा खुश हो जाएगी इसको देख कर। आपका भाई जाएगा, अभी इसमें तो कांटे लगे हुए, फूल है गुलाब का, नशा है शराब का। भाई ये फूल अपनी पिस्तौल खानी को दूंगा और बोलूंगा आई लव यू, ये ले पिस्तौल खानी आपके लिए। तू क्यों ले रहा है? फाइनली तुम्हारे भाई ने गजरे भी ले लिए, चेक करो गजरे कितने बड़े हैं, कितने प्यारे लगेंगे ना उसके हाथ पे जब मैं उसको ये पहनाऊंगा। हमने एक अदर लिया गुलाब का फूल, एक अदर लिया बलून और दो गजरे। अब देखते हैं हमारी पिस्तौल खानी खुश होती है नहीं होती। बिस्मिल्लाह, चलो गाइस अब चलते हैं अपनी पिस्तौल खानी को सरप्राइज देने के लिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आज मैं बताने वाला हूँ तुम लोगों को 1xBet के बारे में, जिस पर तुम लोग अपनी मर्जी के स्पोर्ट्स लाइव एंजॉय कर सकते हो और साथ ही साथ तुम लोग अपनी टीम को भी सपोर्ट कर सकते हो। और तो और पाकिस्तान सुपर लीग भी चल रहा है। 24 फरवरी को अपनी फेवरेट टीम कराची किंग्स और लाहौर कैलेंडर को सपोर्ट करें और प्राइज मनी हासिल करें और आने वाले लीग मैचेस को भी लाइव एंजॉय करें। और ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में आसान है, खासकर अपने पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए। 1xBet से आप लोग बहुत सारे रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप और गाड़ी वगैरह, तो फिर है ना एक्साइटिंग। तो फिर देर कैसी, मैंने लिंक कमेंट में पिन कर दिया है, रजिस्टर करो मेरा प्रोमो कोड FAD1X यूज करके सबसे पहले डिपॉजिट पर पाएं 39,000 तक का बोनस। आज तो मेरी प्यारी सी बेगम ना खुश हो जाएगी क्योंकि आज मैं उसको गुलाब का फूल, गजरे और इतना प्यारा सा बलून भी दूंगा। पता नहीं क्या रिएक्शन होंगे उसके, देखता हूँ। फहद भाई आप मिली नहीं रे, फूल निका विका कर लिया, जब से वीडियोस बनाने नहीं आ रहे साथ में भाई, कॉल है बोले बोला सीन ही नहीं हो रहा आजकल, मैसेज कॉल वॉल की जवाब ही नहीं आ रहे, फुल तो अपने तो... मजे में, और निका कर लिया मुझे बुलाया भी नहीं। अरे तुम क्या मेरे घर पर राशन डलवाते हो जो तुम्हें बुलाऊंगा? बात तो सही है, मैंने अपने घर वालों को अपने खानदान वालों को नहीं बुलाया, वो क्या मेरे घर पर राशन डलवाते हैं जो तुम्हें बुला लूं? तो बुलाना तो चाहिए ना यार, खाना फोड़ना था ना यार, बस खाना खाने आते हो। वैसे मुबारकबाद है यार आपको, बहुत बहुत मुबारक। ये क्या यार लव वव है? हट जाओ मेरी पर्सनल लाइफ है, अभी हटो यहाँ से, अभी मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ। वाइफ मतलब मेरी शादी हो गई ना, अब तो जाना पड़ेगा ना। ओके अल्लाह हाफिज़, जाओ अब मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, अल्लाह हाफिज़। जाओ ना मेरे, क्या हो गया, जाओ ना। नहीं क्या मतलब बदल गए, शादी हो जाती है बंदा बदल जाता है। अबे लगता है अब तो ये लुट पुट गए और इनका प्रोग्राम तो बढ़ने वाला है, मुझे नहीं लगता अब ये यूट्यूब पे तुम लोग को नजर भी आएंगे। यस फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है पिस्तौल खानी के घर पे और हमने पिस्तौल खानी को भी फुल तैयार करवा दिया, फुल दुल्हन वाली वाइब आएगी, अब तुम लोगों को फेस रिवील देखने में और मजा आएगा। चलो गाइस अंदर चलते हैं, मेरा तो दिल धक धक हो रहा है। मेरी पिस्तौल खानी, मेरी पिस्तौल खानी कैसी हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल तुमने माहौल बना दिया आज तो। मेरी पिस्तौल खानी कैसी हो? अरे 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 शर्मा रही है मेरी पिस्तौल खानी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, गजरे लेकर आया हूँ, पहनना है तुम्हें? अच्छा पहनाता हूँ रुको। प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये बैट कैसे टूटा, हाथ देना थोड़ा सा। पिस्तौल खानी तुम्हारे लिए गजरे लेकर आया हूँ, गजरे तो पहन लो, हाथ लेकर आओ दिखाओ मैं तुम्हें गजरे पहनाऊ। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी लगोगी ना तुम इस पे गजरे पहन के। ये पहला गजरा पहना दिया, दूसरा वाला लेकर आओ, इधर लेकर आओ हाथ, दूसरा वाला। सारे फूल तो तुमने तोड़ दिए, दिखाओ मैं खोल के तुम्हें पहनाऊ सही से। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, अरे अरे पिस्तौल खानी ऐसा थोड़ी होता है मेरी जान, आपको अच्छा लगा मैं आपके लिए इतना अच्छा सरप्राइज लाया हूँ? अरे अरे ये आपका लव वाला तो ये ऊपर ही जाया जा रहा है, इसको पकड़ के रखो ना। सब लोग पता है क्या बोल रहे हैं, मैं आपका ना चेहरा दिखाऊं, क्या मैं आपका चेहरा दिखा दूं? अरे शर्म आ रही है भाई, मेरी जान तो सबसे अच्छी है, मेरी जान तो मेरी दुल्हन है, मेरी प्यारी प्यारी सी। रुक जाओ बेगम, अभी रुक जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा सबको दिखा दूंगा, रिवील कर दूंगा तुम्हें। तुम टेंशन क्यों लेती हो, तुम्हें तो अभी खुश होना चाहिए, तुम पिस्तौल खानी हो। मार क्यों रही हो, ऐसे अपने हस्बैंड को मारते थोड़ी हैं, तुम तो मेरी इतनी प्यारी सी दुल्हन हो, दिखा दूं तुम्हारा चेहरा सबको। अरे शर्मा रही हो, दिखा दो तुम लोगों अपनी दुल्हन का चेहरा, दिखा दूं? सोच लो अभी, दिखा दूं? पक्का दिखा दूं तुम लोगों? क्या तुम तैयार हो अपना चेहरा दिखाने के लिए? लेकिन एक मिनट ना,
तुम इतनी हसीन, इतनी प्यारी, खूबसूरत सी हो, अगर तुम्हें कोई देखेगा तो नजर लग जाएगी यार। चलो एक काम करता हूँ, दिखाई देता हूँ। चलो यार अब मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ। 1, 2 and 3 दरवाजा खोलो, अरे तेरा भाई दुल्हन नहीं है तू, तू तो कुछ और है। तुझे तो देख के मुझे उल्टी आ रही है, तू है क्या भला? अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसी अतमान तरफ बातें कर रहा है ये लौंडा। हट जा दूर, तू मेरी दुल्हन नहीं हो सकता, ऐसी दुल्हन से तो अल्लाह बचाए। तू तू दुल्हन नहीं है, तू टट्टी है। मेरे को तो उल्टी आ रही है। नहीं भाई हट जा। तुम लोग क्या सोच रहे थे, मैं अपनी वाइफ का, अपनी प्यारी सी दुल्हन का फेस रिवील कर दूंगा? क्या मैं इतना गिर सकता हूँ? जब मैंने निका वाला व्लॉग अपलोड किया तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, उसमें तुम लोग कह रहे थे कि भाभी का फेस रिवील करें, हमें भी दिखाएं कौन है दुल्हन। तो उन लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटका कर और घूंघट निकाल लिया करें, यह चीज़ उनके लिए मौजिब शनाख्त तो इम्तियाज़ होगी। वो जो औरतें ना जो पर्दा करेंगी तो उनको कोई ईज़ा नहीं दे सकता फिर। माशाल्लाह से वो तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरी जो बीवी है वो पर्दा करती है। तुम लोग समझते क्यों नहीं, हर इमारत को गिलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ खाने काबा को चढ़ता है, और हर किताब पर गिलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ कुरान पाक पर चढ़ता है। इसी तरह हर बीबी पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा फातिमा की कनीजें करती हैं। तो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि फहद भाई बाकी 3 शादियां कब करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरे लिए 1 ही 4 के बराबर है। उसको देखा तो मैं समझा कि एक इंसान भी पूरी कायनात हो सकता है। आपके आगे कोई बोल सकता है क्या? फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। मैं जा रहा हूँ दुल्हन के पास, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।